Hello everyone, welcome back to our Learn Guru classes class 10. Here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am. Today we are here with a very brand new chapter of geography, that is the last chapter of your geography, that is Lifelines of National Economy. Clear? So pata hai bahut interesting chapter hai, daily life se related chapter hai, kuch khas nahi hai. You can aap apne aap bhi isko na isme points bana sakte ho. That is very easy chapter. It is all related to the scenario and the environment that we are living in. अच्छा बच्ची, the term is lifelines of national economy. Lifelines मतलब कि हमारा ना एक जीने के लिए ये चीजें बहुत important है. Lifelines हैं हमारी, without which we cannot live. जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते. Okay? तो इस chapter में हम किसके बिना नहीं हम रह सकते? क्या पढ़ेंगे? इसे lifelines क्यों बोला गया है? हमारी नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइंस, जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, इन उन वो चीजें जिनके बिना भी कैन नॉट लिव, बहुत डिफिकल्ट है उनके बिना रहना, एंड टू ग्रेडियंट आर लाइफ, टू इमेजिन आर लाइफ, और वो नेशनल इकोनॉमी इंक्रीज ही नहीं हो सकती है इनके बिना, इन लाइफलाइंस के बिना. पता है वो लाइफलाइंस कौन है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. On one hand, one lifeline, transportation and communication, इन दोनों के बारे में हम इस chapter में आगे detailing में पढ़ेंगे. Okay? तो there are lifelines of national economy. Introduction part is there. Transportation में what we will read? We will read about different kind of transportation, roadways, railways, waterways, pipelines. पहले we'll be covering the ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज रोडवेज के बारे में, रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस, फंक्शंस एंड वेयर इट इज अवेलेबल, ये सब कुछ चैलेंजेस एंड ऑल. उसके बाद हम जाएंगे वाटरवेज में भी, हम ये सब कुछ चीजें, इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, एरियाज क्या कौन से हैं, एंड नेक्स्ट वी विल कम ऑन टू द एयरवेज के बारे में रीड करेंगे, एयरपोर्ट्स एंड ऑल, एंड देन वी विल हेड ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइंस एंड ऑल. ओके, तो देयर इज अ इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन गिवन. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारे पास लैंड, एयर और वाटर है. लैंड पे अगर हम देखें तो रोडवेज एंड रेलवेज कैरी होते हैं, एयरवेज है एंड वाटरवेज है, पाइपलाइंस एंड शिप्स एंड ऑल. इंट्रोडक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर हार्ट एंड सोल. ये जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट एंड सोल है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी ना, देन कंट्री पता नहीं कैसे डेवलप करेगी, कर ही नहीं सकती है. डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक बहुत अच्छा नेटवर्क चाहिए, बिकॉज वी आर हैविंग सो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन. कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, एंड many number of person go out or travel for their jobs and all, employment sector. आपको पता है railways कितना ज़्यादा employment generate करता है. So एक बहुत अच्छा network चाहिए, एक बहुत efficient network चाहिए transportation, communication का, क्योंकि ये transportation, communication are the two things that are very much important for local, national and global trade for of today. हमारे वर्ल्ड के ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए अब हम रीड करते हैं. वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम दी ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज रोडवेज से स्टार्ट करते हैं. बच्चा, रोडवेज की ना एक अपने अलग फीचर्स हैं. क्या है कि दैट हमें एक 24 आवर्स अवेलेबल है, हमें कोई टिकट्स की जरूरत नहीं है रोडवेज पर जाने के लिए, and it is a very cheapest mode of transportation. One of the largest road network in the world, roadways have preceded railways. Roadways are far better, or we can say bahut aage hain railways se. Construction cost itni zyada nahi hai, maintenance, construction, establishing cost itni zyada nahi hai roadways ki. Road can traverse, cross comparatively more dissected, undulating topography. माउंटेन्स के बीच में से रेलवेज निकालना, ट्रैक्स बिछाना इज वे डिफिकल्ट दैन रोडवेज. रोडवेज थोड़ा उससे ज्यादा इजी है, अच्छे से एक अनड्यूलेटिंग, जहां से प्रॉपरली डायसेक्ट हो सकता है,
हम वहां से इजिली रोडवेज कर सकते हैं. रोड्स कैन नेगोशिएट ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स, एंड जो स्लोपिंग एरियाज हैं वहां से भी बिट मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड है, बट रेलवे से ज्यादा नहीं. अगर हम रेलवे से कंपेयर करें तो रोडवेज आर मच बेटर टू ले डाउन. रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स और पर्सन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रोडवेज ही ज्यादा कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल रहती हैं. उसके बाद वी आर डूइंग प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. डोर टू डोर सर्विस है रेलवे थोड़ा ना आपके घर आती है, ट्रेन थोड़ा ना आपके घर आएगी आगे लेने के लिए कि नहीं चलो आपको ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और वी कैन से यू हैव टू गो टू सम अदर प्लेस सम अदर दैट इज वेरी फार अवे. ठीक है, तो वो सब कुछ चीजें क्या है, दैट रोडवेज हमें एक शॉर्ट डिस्टेंस पे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है. लोडिंग एंड अनलोडिंग मच लोअर. रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट दे आर सेइंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. की देखो चलिए, प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस दस कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर. कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है और प्लस एक लोडिंग एंड अनलोडिंग रेलवे पे आपको प्रॉपर टिकट्स लेनी पड़ती हैं, प्रॉपर फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं फॉर योर स्टॉक कुछ मंगवाना है एंड उन्हें प्रॉपरली एक मैनेज करना पड़ता है व्हेन द स्टॉक और द गुड्स यू हैव टू फेच फ्रॉम अदर प्लेसेस अदर कंट्रीज. बट रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट की इतनी अनलोडिंग अनलोडिंग चार्जेस नहीं है तो कॉस्ट काफी कम है. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स बच्चा, कि रोड्स को कैसे क्लासिफाई करा गया है. ओके, रोड्स के लिए देयर इज डिफरेंट क्लासिफिकेशन. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारी एक बहुत अच्छा एफिशिएंट ये हाईवे है, सुपर हाईवे बोला जाता है. अच्छा, इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला गया है, बिकॉज दिस हाईवे इज कनेक्टेड फ्रॉम ऑल द फोर डायरेक्शंस. कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ श्रीनगर ऑन द टॉप एंड कन्याकुमारी ऑन द साउथ ये कनेक्टेड है. ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर ईस्ट सिलचर एंड पोरबंदर से कनेक्टेड है. क्लियर, वी आर हैविंग वन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दैट इज सुपर हाईवे. उसके बाद हमारे पास आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, मैनेज कौन करता है इन्हें, जिला परिषद इन्हें मैनेज करता है. देन वी कम ऑन टू द स्टेट हाईवेज आते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एंड नेशनल हाईवे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट. ये सब क्या है, दीज आर द डिपार्टमेंट्स दैट मैनेजेस ऑल दीज रोड्स. डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला परिषद, स्टेट हाईवेज, पीडब्ल्यूडी, दे आर बिट लोअर दैन सीपीडब्ल्यू, सेंट्रल प्रोजेक्ट वर्क डिपार्टमेंट्स हैं. ओके, नेक्स्ट इज अदर रोड्स. अगर हम कहें कि ये कुछ विलेजेस वगैरह में नॉर्मल जो रोड्स होती है, अदर रोड्स इन्हें मैनेज करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई जाती है कि जो इनके लिए एमएलएज वगैरह हैं और इधर कुछ मेंबर्स पार्टी से कुछ मेंबर्स बना दिए जाते हैं, दे विल टेक केयर ऑफ दीज रोड्स. बॉर्डर रोड्स हैं जो हमारे बॉर्डर्स पर हैं, डिफरेंट कंट्रीज के बॉर्डर्स पर है, उन्हें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ही मैनेज करेगा. क्लियर, सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, डिस्ट्रिक्ट रोड, हाईवे, सुपर हाईवे, स्टेट हाईवे एंड नेशनल हाईवे आर देयर विद अस. क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोड, एक मेटल्ड होती है और एक अनमेटल्ड होती है. मेटल्ड रोड्स है that they are made up of the proper, एक proper जो road बनाने का material होता है जैसे कि coal and charcoal and all it is needed, तो वो metal है, made of cement, concrete और even bitumen is a type of coal, bituminous is a type of coal, उससे बनती है. तो these are all weather, कि अगर rains आएंगी तो it will not get destroy नहीं होंगी, खराब नहीं होंगी. That are metal roads. Unmetalled roads होती हैं जो mud से, sand से, जो एक पानी भर जाएगा जब rain आएगी, बारिशें आएंगी, go out of use. इस पे in unmetalled roads को, that are not metalled, that are not all weather roads, जिन roads को हम use नहीं कर सकते in rainy season, बहुत ज़्यादा dug and pits हो जाते हैं, that are unmetalled roads. Clear? So road density को हम कैसे measure करते हैं बच्चा? The length of the road per 100 square kilometer से measure करी जाती है कि per 100
स्क्वायर किलोमीटर कितनी लेंथ है उसकी, तो उसी के अकॉर्डिंग रोड को एरिया को मेजर किया जाता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ। लेकिन देयर आर सम चैलेंजेस आल्सो जो हमें रोड ट्रांसपोर्टेशन रोड ट्रांसपोर्टर्स को फेस करने पड़ते, देयर आर सम लैकिंग्स इन रोड ट्रांसपोर्टेशन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स एंड रोड नेटवर्क इज नॉट सफिशिएंट फॉर इट। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, हल्का सा ट्रैफिक मतलब हो जाता है एंड वी डू नॉट गेट स्पेस टू मूव आउट आवर व्हीकल, टेक आउट आवर व्हीकल, तो लार्ज कभी कोई ट्रैफिक हो जाता है, ये इतनी ज्यादा रोड इसे सफिशिएंट अच्छी नहीं लगती। हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड एंड दे आर ऑफ नो यूज, और ज्यादातर रोड्स अनमेटल्ड हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली मेड, दे आर नॉट प्रॉपरली चेक्ड, तो इट इज आउट ऑफ यूज, वो बिल्कुल आउट ऑफ यूज हो जाती है रेनी सीजन में। रोड्स आर कंजस्टेड, बहुत छोटी छोटी सी लेन्स भी हैं, छोटी छोटी सी रोड्स भी हैं, उनमें इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है, कंजस्टेड रोड्स आर देयर। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स आर ओल्ड, जो ब्रिजेस हैं बहुत सारे दे आर ओल्ड, वो इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं कि डर लगा रहता है कि दैट इट कैन नॉट गो आउट, खत्म ना हो जाए, उनसे कोई एक्सीडेंट्स ना हो जाए। तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, जो ब्रिजेस वगैरह हैं उनसे बहुत ज्यादा इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग्स बनी पड़ी हैं, बिकॉज सारा कुछ एक ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुका है, खराब हो चुका है इन द रोड ट्रांसपोर्टेशन। सो वी नीड टू अपडेट, वी नीड टू मेक इट और चेक इट आउट, हमें चेक करना पड़ेगा ताकि उन्हें ठीक करवाया जाए। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्टर्स। ओके, so this was all in the first video part, first video lecture of lifelines of national economy of the road transportation, important, and you can say that it was all about roadways ka tha, how if we compare it to the roadways and the railways, agar hum comparison kar do, you got it to know. Next is there are different types of roads hai, metalled hai, unmetalled hai, classify kara gaya, classification of roads are there, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड में एक क्लासिफिकेशन मिली, एंड ऑल्सो वी डिड इट विद द रोड डेंसिटी चैलेंजेस जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में है, व्हाट आर द लैकिंग्स इन द रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टर्स को क्या लैकिंग फेस करनी पड़ती है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्लियर, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर, गो थ्रू इट, ask your queries in the comment section, I'll be there to answer you, stay tuned, keep learning, keep enjoying.